नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। योगी के शपथ ग्रहण के बाद आज नव निर्वाचित प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने यूपी के सभी विधायकों को शपथ दिलाई। आज यूपी विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की शपथ ली। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा कि सदन में विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि मैं विधानसभा में आ गया हूँ, पहले भी इससे रहा हूँ, सिर्फ बेंच बदल गई पहले मैं पक्ष में था, अब विपक्ष में हूँ। विपक्ष में बैठकर मैं पूरी मजबूती से जनता की आवाज उठाऊंगा। मैं विधानसभा में रहा हूँ, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एक बार फिर वापसी कर ली है। आज यूपी विधानसभा में राजनीति का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। राजनीतिक प्रतिद्वंदी सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे से हाथ मिलाते दिखे। यूपी विधानसभा में आज अखिलेश और सीएम योगी की मुलाकात हुई। यहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और सीएम योगी ने अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखकर इस मुलाकात को खास बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मुलायम परिवार में दूरियां नजर आने लगी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक में शिवपाल को न्योता नहीं दिया तो शिवपाल नाराज हो गए और आज समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टियों की मीटिंग में जाने की बजाय शिवपाल दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने अपने बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलकर अपना दर्द साझा किया। मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने बीएएमएस छात्रों से बात की, उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को नई पहचान मिल रही है, कोरोना संकट में आयुष का महत्व दिखा, अब आयुर्वेद का पूरी दुनिया में महत्व मिलने लगा है। आयुर्वेद की मदद से कोरोना में भारत की अपेक्षा अमेरिका में ज्यादा कोरोना से मौतें हुई। भारत ने दुनिया के अंदर, उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और इस क्षेत्र में उन संभावनाओं को तलाशने के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है कि वास्तव में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। और इसीलिए आज जब बीएमएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के इस संवाद के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। यूपी चुनाव में प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट से निर्वाचित विधायक आराधना मिश्रा को एक बार फिर कांग्रेस ने विधानमंडल दल का नेता चुना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आराधना मिश्रा को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चकिया स्थित उसके आवास पर सोमवार यानी आज एक बार फिर पीडीए का बुलडोजर चलेगा। कुछ दिनों पहले ही पीडीए ने अस्थाई बाउंड्री वॉल को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस के बाद भी अतीक अहमद ने उसको हटाया नहीं, इसलिए पीडीए अब उस बाउंड्री वॉल को गिराएगा। इसके साथ ही अन्य अवैध निर्माण के खिलाफ भी पीडीए की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बीजेपी 2.0 आने के बाद बाबा के बुलडोजर की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई है। अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र में पानी की टंकी के रास्ते पर हुई अवैध कब्जेदारी पर अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में 2.0 बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर सीएम योगी का बुलडोजर अपने काम पर वापस आ गया।
बाबा का बुलडोजर पहले तो बड़े अपराधियों गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों के कब्जे हटाने के लिए लाया जाता था, लेकिन औरैया पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एसपी के आदेश पर पुलिस अपनी टीम के साथ नगर पंचायत का बुलडोजर लेकर घूम रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर यह बुलडोजर किसी अपराधी या अवैध संपत्ति गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन दुकानदारों के लिए है जो दुकान के बाहर अवैध तरीके से अतिक्रमण फैलाए हुए है। पुलिस अधिकारियों के हाथ में भोपू लेकर अनाउंस भी कर रहे हैं कि बुलडोजर की चाबी मेरे पास नहीं है, बुलडोजर जब चलेगा तो चलता ही रहेगा। वहीं दुकानदारों ने पुलिस के इस रूप को देखते हुए चंद मिनटों में अपनी अपनी दुकानों से सड़कों पर किए अतिक्रमण को हटाया। कासगंज के गंगागढ़ गांव में हुई वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि जेवर के लालच में बेटे ने पड़ोसी दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और पकड़े जाने के डर से नहर में लूट के जेवरात फेंक दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 5 टीमों को तैयार किया और मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो 30 तारीख को गंगागढ़ गांव पड़ता है सोनो थाना क्षेत्र में, वहाँ एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला कमला देवी की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पे एसओजी टीम, एडिशनल एसपी मेरे द्वारा और अन्य थानाध्यक्षों के द्वारा यहाँ पे मौका माना किया गया, साथ में डॉग स्क्वाड और फील्ड को भी बुलाया गया था। अहम प्रकार के एविडेंसेस मौके से उठवाए गए थे, जैसे कि फिंगरप्रिंट इत्यादि। पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि गाँव का ही एक लड़का बबलू पराशर इसमें इन्वॉल्व है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म जो है वो कबूला और ये बताया कि पीछे की तरफ से मकान के पीछे की तरफ से टेरेस से होते हुए ये व्यक्ति जो है वो गांव में घुस गया था। इससे जो खून से सने हुए कपड़े हैं उसे बरामद हुए हैं। महिला की इसने लूट के इरादे से हत्या न कर दी थी, सर में पत्थर मार के हत्या कर दी गई। पूरे प्रकरण में एडिशनल एसपी और सीओ साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन करके एसओजी को भी इसमें लगाया गया। यूपी के औरैया जिले में एक दरोगा की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सड़क हादसे में मृतक के परिवार के साथ सहानुभूति की जगह दरोगा मृतक की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। पीड़िता का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने दरोगा से सवाल पूछ लिया था। सोशल मीडिया पे थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीओ सिटी को दी गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु सीओ सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुणदोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेगी। बहराइच के खत्रीपुरा इलाके में एक शादी के दौरान बवाल मच गया। बता दें कि व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंचा ही था कि तभी दूसरी शादी की खबर उसकी पहली पत्नी को लग गई, जिसके बाद पहली पत्नी पुलिस को लेकर शादी के मंडप पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शादी को रुकवा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।